एट्थ सीन कैमरे के आगे कर्टन आ रहा है। Only four sections have joined so far. Eighth B has not joined. Eighth G has not joined. Please convey the message. किसी को भेज देना, एट्थ ए में से भेज दो बच्चे को प्लीज। एट्थ बी और एट्थ जी में, एट्थ बी और एट्थ जी। सर भेज दिया बच्चा। ओके ओके, शाबाश। राइट डाउन द हेडिंग। ऑलरेडी आई हैव रिटन द हेडिंग ऑफ द टॉपिक। प्लीज एवरीबॉडी, प्लीज राइट डाउन द हेडिंग, आई डिफेक्ट्स एंड रेमेडी। आई डिफेक्ट्स एंड रेमेडीज। बेटे आप लोगों को पता है कि जो हमारी ह्यूमन आई होती है, लुक लुक एट माई आईज, इस आईज से एग्जैक्टली कितनी दूरी पर हमें सबसे क्लियर दिखता है? 25 सेंटीमीटर। शाबाश। अगर इससे नजदीक करेंगे इट विल नॉट बी एज क्लियर एज द बेस्ट। अगर उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से दूर करेंगे इवन देन इट विल नॉट बी द बेस्ट क्लियर। द पर्टिकुलर डिस्टेंस एट विच द हेल्दी ह्यूमन आई कैन सी बेस्ट क्लियरली इज 25 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर का 1/4। इस चीज को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर हेल्दी अनएडिड ह्यूमन आई। अनएडिड का मतलब जिसके चश्मा वगैरह ना लिखा लगा हो ऐसे, करेक्ट? लिखो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एवरीबॉडी, कुछ बच्चों ने नोटबुक तक नहीं निकाली। एट्थ ए, मैं लेजी बच्चों को जरा प्लीज चेक रखो। शाबाश। आई एम रिपीटिंग, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मैंने क्लियर विजन फॉर हेल्दी, कोई इसको बीमारी ना हो, अडल्ट यानी उम्र लगभग 18-19 साल हो चुकी हो, ह्यूमन आई ब्रैकेट में अनएडिड। अनएडिड का मतलब चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, स्पेक्टिकल नहीं लगे होने चाहिए। 25 सेंटीमीटर, 1/4 ऑफ अ मीटर, 1/4 ऑफ अ मीटर। शाबाश। अरे आप, ये आपको पता होना चाहिए, एक लर्निंग पॉइंट, ठीक है? दूसरी बात ध्यान से सुनना। दूसरी बात, अब सेकंड लर्निंग पॉइंट है, अगर मैं किसी चीज को देखता हूं, सपोज करो मेरे पास सामने ये प्रिंटर पड़ा है, मैं इसको देख के ऐसे फेस कर लो, योर अटेंशन, देखा ऐसे कर लिया, तो इस प्रिंटर का जो इमेज मेरे रेटिना पे बना वो कितनी देर तक टिका रहेगा, ठहराव कितना होएगा उस इमेज का देखने के बाद? ओके, फिर से सुनो, ये मेरे पास रिमोट है, मैंने इसको देखा और देख रहा हूं, एकदम पीछे कर दिया, कर दिया पीछे, तो जब ये मेरे को दिखना बंद हो गया उस मोमेंट से कितनी देर तक इसका इमेज
मेरे आंख के रेटिना पे टिका रहेगा। साइंस की लैंग्वेज में परसिस्टेंस ऑफ विजन कितनी होती है? 1 सेकंड का 16वां हिस्सा, 1/16th। लिखो, परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन विजन, परसिस्टेंस ऑफ इमेज, परसिस्टेंस ऑफ इमेज ऑन रेटिना ऑफ ह्यूमन आई। वन बाय 16 सेकेंड, बोर्ड पे लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना आप, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी आंख के आगे से 1 सेकेंड में 17 टाइम्स फोटोज निकल जाएं, 17 टाइम्स, तो वो फोटो हमें स्टिल फोटो ना दिख के कंटिन्यूड दिखेगी। एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मेरे पास ये एक बुक है, लुक हियर, दिस इज वन बुक। तो मैंने इसके पेजेस के ऊपर यहां पर दो बच्चे बना दिए और वो आपस में बॉक्सिंग के पोजेज में है। उससे अगले पेज पे दो बच्चे बना दिए, वो अलग बॉक्सिंग के पोज में है। उससे अगले पेज पे उसी जगह पर दो अलग फिर बच्चे बना दिए, अलग बॉक्सिंग के पोज में। अब अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे कंटिन्यूटी में देखूंगा, और 1 सेकंड में 17 पेज निकल जाए, 17 फोटोज निकल जाए, इससे जरा सी ज्यादा, 1 सेकंड में 17 या उससे ज्यादा पेजेस मेरी आंख के आगे से निकलेंगे, तो मेरे को उन दोनों बच्चों के हाथ चलते हुए दिखेंगे। क्योंकि जितनी देर में एक इमेज टिकेगा, उतनी देर में दूसरा आ गया, उतनी देर में तीसरा आ गया। तो वो स्टिल फोटोज होने के बावजूद कंटिन्यूड में मेरे को बॉक्सिंग करते दिखेंगे। यही टेक्निक लगती है सिनेमा प्रोजेक्टर में। जब फिल्म बनाते हैं ना, मूवीज, उसमें जैसे अमिताभ बच्चन है, उसने चाय का कप यहाँ पकड़ा हुआ है, फिर 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 वो सिप ले रहा है, करेक्ट है? फिर उसने कप रखा, ये प्लेट है, ये रखा, ये रखा, यहाँ फोटो, यहाँ फोटो, यहाँ, सारे अलग अलग पोजिशन में फोटो होती है। जब वो कंटिन्यूड में ऐसे बुक की तरह हमें यहाँ बुक में दिखाया, उसमें लगातार ऐसे तेजी से निकाल देता है, तो हमारी आंख को वो सारी फोटो कंटिन्यूटी में दिखती है। क्योंकि जो इस पोज में हमें इमेज मिलेगा, वो अभी आंख पे ठहरा होगा, अगली फोटो भी आ जाएगी, अगली फोटो भी आ जाएगी, इस टाइम से पहले पहले, तब सारी फोटोज कंटिन्यूटी में दिखती। लिखो, एटलीस्ट 17 फोटोज पर सेकेंड, एटलीस्ट 17 स्टिल फोटोज पर सेकेंड इन डिफरेंट पोजेस शुड पास, इन डिफरेंट पोजेस शुड पास इन फ्रंट ऑफ ह्यूमन आई फॉर हैविंग द कंटिन्यूड मूवी इमेज, फॉर हैविंग द कंटिन्यूड मूवी इमेज। ये थर्ड लर्निंग पॉइंट है बच्चे, ठीक है? अब फोर्थ लर्निंग पॉइंट देखो, शाबाश। शाबाश, सभी बच्चे देखेंगे।
अगर किसी बच्चे के स्पेक्स ना लगे हो, स्पेक्टिकल्स ना लगे हो, चश्मे ना लगे हो, ऐनक ना लगे हो, और उसकी नजर बिल्कुल सही हो, तब उसकी आंख में इमेज कैसे बनेगा? मैं फोटो दिखा रहा हूं। देखो क्या हेडिंग है, अनएडेड हेल्दी आई। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे प्लीज। ये मैंने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बनाया, रफ स्ट्रक्चर, और यहां पर मेरा क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस है, और ये वाला मेरे पास रेटिना है, और ये स्फेरिकल आई बॉल है। अब ध्यान से देखना सभी बच्चे, लेंस के एग्जैक्टली सामने मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर कमिंग, दे आर स्ट्राइकिंग द लेंस। सभी बच्चों को पता है कॉन्वेक्स लेंस लाइट को फोकस करता है, और ये रेटिना का पॉइंट है एग्जैक्टली इसके सामने। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ये फोकस कर देगा। अगर बिल्कुल सही आंख है, ना नजदीक की नजर कमजोर है, ना दूर की नजर कमजोर है, बिल्कुल सही आंख है, तो इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज एग्जैक्टली रेटिना पे बनेगा, क्योंकि लेंस ने रेज ऑफ लाइट को एग्जैक्टली रेटिना के पॉइंट के ऊपर फोकस कर दिया। फोकस, अगर इसकी फोकसिंग ऐसे होती, ध्यान से सुना, अगर इसकी फोकसिंग पीछे चले गई होती, यहां पर आई रेटिना के बाद में चले गई होती, या रेटिना से पहले आ गई होती, तब दोनों ही केसेस में उस बंदे को ऑब्जेक्ट का इमेज ब्लर्ड दिखता, ब्लर्ड, धुंधला। ऐसी आंख को डिफेक्टेड आई बोलते हैं, चाहे इस येलो पॉइंट पे बने, चाहे इस येलो पॉइंट पे, दोनों में धुंधला दिखेगा। लेकिन अगर फोकसिंग एग्जैक्ट रेटिना पर है, यानी कि अगर फोकसिंग एग्जैक्ट रेड पॉइंट पर है, रेड पॉइंट पर, तब उसको क्लियर दिखेगा। ये रेड पॉइंट देखो, ये एग्जैक्ट रेटिना। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिफेक्टेड आई अगर हो, येलो पॉइंट पे फोकसिंग हो जाए, तो उससे कौन सा आई डिफेक्ट आता है और उसको सही कैसे करना है, ये हमने सीखना है। सुन लेना ध्यान से, अगर योर अटेंशन, अगर इस पॉइंट पे फोकसिंग हो जाए, यानी रेटिना से पहले ही फोकसिंग हो जाए, यहां पर रेटिना के पहुंचने से पहले ही ये दोनों रेज यहीं पर मीट कर जाए, ये जो ग्रीन वाली आ रही है, यहीं पर व्हाइट स्पॉट पर फोकस हो जाए, तब उस इंसान की दूर की नजर कमजोर होती, पास का उसको क्लियर दिखेगा, दूर का धुंधला दिखेगा। ऐसे डिफेक्ट को मायोपिया बोलते हैं, मायोपिया। अगली बात, अगर उस बंदे के आंख में रेज ऑफ लाइट यहां फोकस होती, रेटिना से बाहर, आई बॉल से बाहर, तब उस बंदे को नजदीक की चीजें धुंधली दिखती, दूर वाली क्लियर दिखती। नियर बाय ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जर्वर विल सी ब्लर्ड, बट फार ऑब्जेक्ट ही विल सी डिस्टिंक्टली क्लियर। तो जिसमें नजदीक की नजर कमजोर होगी धुंधला होने की वजह से, उस आई डिफेक्ट को हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया। ये दोनों आई डिफेक्ट आपके सिलेबस में है, आई डिफेक्ट। इनको ठीक कैसे करना है स्पेक्टिकल्स की मदद से, वो हम करेंगे। लिखो फटाफट, मायोपिया, स्पेलिंग देख लो, MYOPO, मायोपिया। इन द मायोपिक आई, शाबाश, इन द मायोपिक
आई इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फार ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ द फार ऑब्जेक्ट बिकम्स एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ द रेटिना, बिकम्स एग्जैक्टली एट द फ्रंट ऑफ द रेटिना इन साइड द आईबॉल, एग्जैक्टली एट द फ्रंट ऑफ रेटिना इन साइड द आईबॉल कॉमा इन प्लेस ऑफ ऑन द रेटिना, इन प्लेस ऑफ ऑन द रेटिना। अब दूसरा हेडिंग लिखो हाइपरमेट्रोपिया, जल्दी करो हाइपरमेट्रोपिया। इन हाइपरमेट्रोपिक आई, इन हाइपरमेट्रोपिक आई, शाबाश, द फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, द फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन सच ए मैनर, इज इट सच ए मैनर दैट आई लेंस फोकसेस इट बिहाइंड द रेटिना, आई लेंस फोकसेस इट बिहाइंड द रेटिना आउटसाइड द आईबॉल, दैट आई लेंस फोकसेस इट बिहाइंड द रेटिना आउटसाइड द आईबॉल। तीसरा पॉइंट लिखो शाबाश, तीसरा पॉइंट, ए मायोपिक पर्सन सीज फार ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड, ए मायोपिक पर्सन सीज फार ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड। ए मायोपिक पर्सन सीज फार ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ओके, दूसरा कौन सा बेटे, ए हाइपर मेट्रोपिक, लिखो शाबाश नेक्स्ट, ए हाइपर मेट्रोपिक पर्सन सीज नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड बट फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो मायोपिक पर्सन में कैसे होता है, ध्यान से सुनो, इसको कैसे ठीक करना है हमें। हाइपर मेट्रोपिक को बाद में पढ़ते हैं, शाबाश, ध्यान से सुनो बेटे, देखो फटाफट, ये हमारे पास आई लेंस है और ये रेटिना है और ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज ऑफ लाइट रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। ऐसे देखो फोकस पॉइंट कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, जबकि रेटिना बैक साइड पर। मायोपिक में ऐसा होता है, हाइपरमेट्रोपिक में कैसे है, ये आई लेंस, ये आई बॉल, ये रेटिना और नियर बाय ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज ऑफ लाइट बैक साइड पर फोकस होंगे, ये आउटसाइड द बॉल। अब हमने इन दोनों डिफेक्ट्स को सही करना है, योर अटेंशन, रेमेडी सुनो, रेमेडी बेटे, रेमेडी। इसमें रेमेडी क्या करते हैं, हम एक स्पेक्टेकल लेंगे और उस स्पेक्टेकल के अंदर यहां पर और यहां पर दोनों जगह पर जहां पर टीचर ने टिक करा है, स्पेक्टेकल के अंदर जो ग्लासेस लगाएंगे
वो कंकेव लेंस लगाएंगे, कंकेव लेंस जो सेंटर से पतला और किनारी से मोटा होगा। साइड से देखे तो ऐसे दिखेगा, फ्रंट से देखे तो सर्कल दिखता है ये लेंस। सेंटर से पतला और साइडों साइडों से मोटा, ठीक है। अब इस लेंस की खासियत क्या होती है, ये रेज ऑफ लाइट को बाहर को कर देता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज। हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, शाबाश। इस आई को लेंगे, देखो ध्यान से सुनो, ये ऐसे ही दिखा दिया मैंने, फिर से सेम फिगर दिखाया, फोकस यहां पर है। मैंने क्या करा, इसके आगे स्पेक्टिकल्स की मदद से यहां पर मैंने कॉनकेव लेंस लगा दिया, कॉनकेव। ध्यान से सुनो, कॉनकेव लेंस लगाने से ये जो व्हाइट लाइट आ रही है पीछे से, उसको ये लेंस डाइवर्ज करके लेंस के कॉर्नर पर फेंक देगा। लेंस के कॉर्नर पर फेंकने से अब जो लाइट ग्रीन कलर से फोकसिंग के लिए जा रही है, वो एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर पहुंच जाएगी। गॉट इट? देखो, ग्रीन रेज रेटिना के ऊपर पहुंच रही है और व्हाइट रेज जब तक ये लेंस नहीं लगा था एफ पर पहुंच रही। लिखो फटाफट, शाबाश। ए स्पेक्टिकल विद, ए स्पेक्टिकल विद कॉनकेव लेंस, लेंसेस, ए स्पेक्टिकल विद कॉनकेव लेंसेस या पेयर ऑफ कॉनकेव लेंसेस कैन क्योर, कैन गिव रेमेडी, कैन गिव रेमेडी टू दी माओपिक पर्सन, अब दूसरा सुनो, शाबाश। टाइम मेरे को बहुत कम दिया गया, आज 2-3 मिनट ही है हमारे पास क्लास के लिए, शाबाश। अगर इस डिफेक्ट को सही करना हो, ध्यान से सुनो, ये लेंस उतना कन्वर्ज नहीं कर पा रहा जितना करना चाहिए था। ये कन्वर्ज तो कर रहा है ह्यूमन आई का लेंस, लेकिन रेटिना से बाहर कर रहा है, तो इसको ज्यादा कन्वर्ज करना चाहिए ताकि रेटिना के ऊपर फोकसिंग हो जाए। तो इस लेंस की मदद करेंगे हम दूसरा कन्वेक्स लेंस लगा के। हम क्या करेंगे, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, सॉरी स्पेक्टिकल्स लेंगे बेटे, उसमें पेयर ऑफ लेंसेज लगाएंगे दोनों जगह पर, जहां पर टीचर ने टिक करा वहां पर टीचर दोनों जगह का कॉन्वेक्स लेंस लगाएगा। कॉन्वेक्स लेंस सेंटर से मोटा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ओके। तो ध्यान से सुनो, अब अगर मैंने यहां पर, योर अटेंशन, यहां पर स्पेक्टिकल की मदद से कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया येलो कलर का, तो ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो व्हाइट लाइट रेज आ रही थी उसको आंख के ऊपर पड़ने से पहले ही थोड़ा सा फोकस कर देगा। देखो, ए यहां तक लाइट इस लेंस ने फोकस कर दी, थोड़ा सा अंदर को मोड़ दिया, इसने भी थोड़ा सा अंदर को मोड़ दिया, ठीक है। फिर अब आंख के लेंस को कन्वर्जेंस में मदद मिल गई येलो लेंस से, आंख वाले व्हाइट लेंस से लेंस को, कन्वेक्स लेंस को येलो वाले स्पेक्टिकल के लेंस से कन्वर्जेंस में मदद मिल गई, क्योंकि उसने व्हाइट लाइट को पैरलर गिरने की बजाय ग्रीन कलर में हल्का सा फोकस कर दिया यहां तक। अब आगे आई लेंस अपना काम करेगा, तो आई लेंस ने उसको फर्दर कन्वर्ज कर दिया, तो जाके ये बेटे, एक मिनट, तो आई लेंस जब लग उसको फर्दर फोकस करेगा तो एग्जैक्टली कहां पर बनेगा इमेज, रेटिना के ऊपर बन गया, वो एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर, ठीक है। इस तरह से हम इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। पहले कहां बन रहा था बेटे, पहले व्हाइट अकेला जब आई लेंस था तो व्हाइट रेस से थ्रू जाते हुए वो आंख से बाहर बन रहा था,
यहां से उठा के ये रेटिना के ऊपर ले लिखो शाबाश। अ हाइपरमेट्रोपिक आई कैन बी गिवन रेमेडी, ए हाइपर मेट्रोपिक आई कैन बी गिवन रेमेडी बाय फिटिंग पेयर ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज इन दी स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस लिख दो, अगर ग्लास GLASES ग्लासेस भी लिख दो। तो आपको बच्चे समझ आ गया हमने आई डिफेक्ट कैसे सही करते हैं? इफ यस प्लीज वेव योर राइट हैंड, इफ यस प्लीज वेव योर राइट हैंड, बस ठीक है। इसके अंदर ये लेंस ज्यादा ही एक्टिव था, उसने जल्दी फोकस कर दिया रेटिना से पहुंचने से पहले, आंख का लेंस। हमने लाइट को बाहर को फेंक दिया कॉनकेव लेंस लगा के, फिर फोकस करवाया यहां पर। एक्सक्यूज मी सर, यस बोलो, स्पीक सर आउट। जो आपने इससे पहले पढ़ाया वो दोबारा से समझाना, हमारी क्लास लेट ज्वाइन हुई थी। बेटे तो पॉसिबल नहीं है बसारा, क्योंकि लेक्चर ही ओवर हो गया, आधे घंटे का था लेक्चर, आज का लेक्चर आधे घंटे का था और 2 मिनट बचे हैं लेक्चर में। सर इस लेक्चर की वीडियो यूट्यूब पे डाल देना, वहां से देख लेंगे। हाँ ये तो पॉसिबल है, ठीक है। अगर टाइम बचा होता तो मेरे को कोई इतराज नहीं था। ठीक है, आपकी क्लास लेट ज्वाइन कर पाई। कौन सा सेक्शन है, व्हाट इज योर सेक्शन? 8th G। 8th G। मैं कोशिश करूंगा किसी और लेक्चर में कंपनसेट करने की। ओके तो ये हमारे दोनों आई डिफेक्ट्स कवर हो गए बेटे, राइट। इसके बिना एक ऐसे ऐसा सिस्टम भी होता है बेटे, जिस सिस्टम से अंधे लोगों को कुछ देख पाने की मदद करते हैं। ब्लाइंड पर्सन है फिर भी वो हाथों के टच से जजमेंट कर लेते हैं कि यह 100 का नोट है कि 100 का, ये 2 रुपए का कॉइन है कि 5 रुपीज का कॉइन है। आपको पता है वो सिस्टम कौन सा होता है? रेली सिस्टम ब्रेल सिस्टम, शाबाश। उसके कोड्स याद है आपको, कोड्स ABCD कैसे लिखते हैं? किसी बच्चे को पता है ये मैंने क्या लिखा है? शाबाश। अगर मैं एक बॉक्सा बनाऊं उसके कॉर्नर में यहां डॉट लगा दूं, तो ये क्या है? इंग्लिश का कौन सा लेटर है? ए ये ए है बेटे, शाबाश। ये वाला जो होता है ना यहाँ पर, ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है या इसमें थोड़ा सा डिप कर देते हैं, प्लेन सरफेस पर थोड़ा सा एग्जॉटेड या फिर आइदर सबमर्ज, यहां पर ये ए अल्फाबेट है। ऐसे ही इनको हम जेड तक देते हैं, जैसे ये कौन सा अल्फाबेट है कोई बताएगा? डबल डॉट हॉरिजॉन्टली, सी ये सी है, शाबाश। ये मैंने सी लिखा। एक और पूछते हैं आपसे, अगर मैंने ये लिखा हो ये क्या हो सकता है? यहां पर डॉट, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, शाबाश। कैपिटल कैपिटल लेटर्स कर रहे हो तो ये ऐसे सारे अल्फाबेट्स ए से जेड तक बन रखे हैं, इसका मतलब है कैपिटल करने हैं लेटर्स। अगर यहां पर लगाओ डॉट और यहां पर लगाओ डॉट, ये के है, ठीक है। इस तरह से एक ब्रेल करके साइंटिस्ट था, वो खुद भी ब्लाइंड था। पहले बचपन में उसका नजर सही था, फिर 10-12 साल के बाद उसने बैलेंस्ड डाइट नहीं ली, वो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीने लग गया, वो बर्गर ज्यादा पीने लग गया, वो बेयर फुटेड नहीं खेलता था, घास पे नंगे पैरों से नहीं चलता था, वो आइस वॉश अच्छी तरह से नहीं करता था, इस तरह की वो टीवी बहुत देखता था, मोबाइल स्क्रीन लेट के देखता था, इन सारी बातों से उसकी नजर कमजोर हो गई थी। फिर उसने एक सिस्टम बनाया कि मेरी नजर तो कमजोर होगी, क्यों ना मैं अपने जैसे अंधे लोगों की मदद करूं, तो उसने ये सिस्टम बनाया। लिखो,
ब्रेल सिस्टम, शाबाश शरीफ, ब्रेल सिस्टम ऑफ कोड्स, ब्रेल सिस्टम ऑफ कोड्स, शाबाश, ब्रेल सिस्टम ऑफ कोड्स इज द सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक सिंबल्स, इज द सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक सिंबल्स विद द हेल्प ऑफ विच ब्लाइंड पीपल, विद द हेल्प ऑफ विच अ ब्लाइंड पर्सन, लिख दो चलो, विद द हेल्प ऑफ विच अ ब्लाइंड पर्सन कैन रीड बाय सेंस ऑफ टच ऑफ हैंड्स, बाय सेंस ऑफ टच ऑफ हैंड्स, फुल स्टॉप. नेक्स्ट, ही कैन रेकग्नाइज इवन करेंसी नोट्स, के वो 20 का अबाउट देयर नॉमिनेशन, डिनोमिनेशन, कि वो 20 का है कि 50 का नोट है कि 100 का नोट है, कौन सा? मैम, एक मैम ने मेरे को बोला था कि आज एक्टिविटी है, क्लास कम लेनी है आपने. मैम, और टाइम है या एक्टिविटी का है अभी टाइम? कैन यू अलॉट मी मोर टाइम और शुड आई वाइंड अप? प्लीज वाइंड अप नाउ। हाँ बेटे, आप लोगों की कोई एक्टिविटी आज? तो मेरे को ये मैम ने सजेस्ट करा कि आज का लेक्चर शॉर्ट ले रहे हैं, तो वैसे हमारा ये यूनिट ओवर हो गया. आप इसकी असाइनमेंट करके आएंगे सारे बच्चे, ये सारी असाइनमेंट आप अच्छे से करके आएंगे, कोई भी क्वेश्चन बचे का तो करेंगे हम, क्योंकि इसमें हमने दो सेक्शन तो हमने कर लिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था, उसके बाद आप करके आओगे और हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. आज का लेक्चर समझ आया तो वेव योर हैंड्स. बहुत हैंड्स, शाबाश, थैंक यू सो मच. लेट्स वाइंड अप हियर, गो फॉर योर एक्टिविटी एज क्विकली एज पॉसिबल.